आशियाना हाउसिंग और रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, जो है आज रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत में जब पहुंचे तो उनके साथ सख्त सिक्योरिटी भी मौजूद थी, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी मौजूद थी। और अभी इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी। आज ये दो मुख्तलिफ केसेस हैं जिनमें आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस हैं जिनकी समाअत जो है वो होगी। और कुछ ही देर बाद जो है ज़राए की इत्तला के मुताबिक हमजा शहबाज जो है वो भी एहतसाब अदालत में पहुंचेंगे और केस की समाअत शुरू होगी। कुछ ही देर में इस केस की समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आपका नुमान नूर, आप हमें आगाह कर रहे थे। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में इस केस पर समाअत की जाएगी। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है। इस वक्त आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस केस की समाअत आज होने जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं, सख्त सिक्योरिटी हिसार में उन्हें अदालत पेश किया गया है। आपको अपडेट करें, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं और इस वक्त वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस केस की समाअत आज होने जा रही है, ऐसे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं।